उत्तर प्रदेश पीसीएस के सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेस की तरफ से हमारा नमस्कार। तो उत्तर प्रदेश पीसीएस ने तो 12/6/2022 को जो प्रीलिमिनरी एग्जाम आयोजित किया था उसकी कट ऑफ है वो कैटेगरी वाइज जारी कर दी है। साथ ही आपको यहाँ एक महत्वपूर्ण बात नोट करनी है, अतः प्राप्तांकों एवं श्रेणीवार कट ऑफ अंकों की सूचना प्राप्त करने हेतु सूचना का अधिकार आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, इस चीज को इन्होंने कहा है। तो यहाँ एक बात जो बार बार उठ के आ रही थी कि सर जनरल की कट ऑफ है वो तो 111 गई है और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की कट ऑफ है 114 गई है, क्या ये संभव है? तो उसको जानने से पहले हम थोड़ा आरएएस को लेके बात करें। ये आपके सामने मैंने 15/9/2016 को जो आरएएस प्रीलिमिनरी का रिजल्ट जारी हुआ था, एग्जाम हुआ था 28/8/2016 को, इस कट ऑफ को आपको मैं डिटेल से यहाँ बता देता हूँ। इसमें सिर्फ कैटेगरी वाइज कट ऑफ पे हम जाते हैं, वहां आपको देखने को मिलेगा प्रीलिमिनरी की कट ऑफ जनरल कैटेगरी के मेल के लिए 78.54, वहीं ओबीसी के लिए 94.98। तो आप समझ गए होंगे ओबीसी की कट ऑफ है वो जनरल से कितनी ज्यादा है। वहीं स्पेशल बैकवर्ड क्लास जिसमें गुजर और पांच अन्य जातियों को शामिल किया गया था उसकी 80.82 यानी ये भी जनरल से ऊपर। वहीं ये तो 2016 का रिजल्ट है जिसमें 11,046 बच्चों ने प्रीलिमिनरी एग्जाम क्लियर किया। उसके बाद आरपीएससी का एक अन्य रिजल्ट है 2018 का जिसके अंदर कट ऑफ को आप जब एनालिसिस करेंगे तो ऐसी विसंगति आपको देखने को मिलेगी। तो यहां हम बात करें जनरल की कट ऑफ गई थी 76.06 और वहीं ओबीसी की कट ऑफ गई थी 99.34 और मोस्ट बैकवर्ड यानी बैकवर्ड के बाद भी मोस्ट बैकवर्ड है उनकी भी इवन 92.62 गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी इन कैटेगरी में अपेक्षाकृत कम होती है, नंबर ऑफ वैकेंसी कम होती है, प्रीलिमिनरी में रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। तो माननीय हाई कोर्ट राजस्थान जयपुर बेंच ने जो इसमें डिसीजन दिया था वो ये दिया था कि जो जनरल के कट ऑफ है 76.06 इससे ज्यादा जितने भी ओबीसी या मोस्ट बैकवर्ड क्लास के बच्चों के मार्क्स है उन सब को मेंस एग्जाम लिखने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी। तो उम्मीद करते हैं यूपी पीसीएस में भी ऐसा ही कुछ रहा होगा, हालांकि आरटीआई को प्रोहिबिटेड करके इन्होंने थोड़े से अधिकार सीमित कर दिए, पर वो पीसीएस है वो ऑटोनोमस बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, उनके कुछ अधिकार हैं, उस अधिकारों के संदर्भ में ये किया गया होगा। तो उम्मीद है ये जो आपके अंदर कट ऑफ को लेके एक कंफ्यूजन पैदा हुआ था ये आपका दूर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।